बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर के आज नवनियुक्त श्री महंत श्री राम प्रभुदास जी महाराज की गादी पर स्थापना के साथ ही आज महाराज जी के आग्रह पर मैंने ये घोषणा की है कि जो लाल घाटी जिसका विभत्स इतिहास है, रानी कमलापति जी का पुत्र, 14 वर्षीय पुत्र सेना ले अपनी माँ की रक्षा के लिए सेना लेकर के गया और जो दोस्त मोहम्मद खान था उसने वहां पर, जिसे लाल घाटी आज भोपाल की कहते हैं, वहां पर उस 14 वर्षीय बालक और उसकी सेना की हत्या की, सबको, सभी सैनिकों को काट दिया और वो पूरी घाटी लाल हो गई। इसलिए उसका विभत्स इतिहास और आज भी लोग उसको लाल घाटी के नाम से जानते हैं। आज उस घाटी को जहाँ प्राचीन गुफा मंदिर के प्रथम श्री महंत जी हैं श्री नारायण दास जी महाराज, उनके नाम पर श्री महंत श्री नारायण दास चौराहा रखा है और उसके पास ही हलालपुर बस स्टैंड है, हलालपुरा बस स्टैंड, उस में भी सभी हिंदुओं को हलाल किया गया था दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने, वहाँ हमारे सभी हिंदुओं को हलाल किया था, इसलिए उसका हलालपुरा बस स्टैंड नाम रखा गया। उसको भी परिवर्तित करके आज मैं पत्र लिख रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर निगम के कमिश्नर को कि उस हलालपुरा बस स्टैंड का नाम, पास में ही ठीक बस स्टैंड के पास हनुमान गढ़ी है, तो टेकरी है, हनुमान टेकरी है, उस टेकरी के पास ही जो बस स्टैंड है जिसे हलालपुरा बस स्टैंड कहते हैं उसका नाम बदल करके श्री हनुमानपुर बस स्टैंड नाम दिया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है और ये मैं घोषणा करती हूँ और ऐसा मुख्यमंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर को मैं आज पत्र लिखूंगी।